करते हैं माननीय एमएलसी दिनेश राव का, जो हमारे बीच आके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किए हैं और लोग बिहार के इस धरती पर आकर सेना स्वीकार किया है परिवारिक की इस धरती पर क्रांतिकारियों का भी स्वागत करते हैं और इस मत पर जीते हमारे आनबोर्ड परिवार आनबोर्ड खिलाड़ियों की ओर से भी आपका अभिनंदन और स्वागत के पास है। पूरे के लिए ये जो चाहत कर रहा है और विदेश से महान डॉक्टर साहब तमाम खेल को खिलाड़ियों को इस कड़ी में आपने भी समय निकाला, इसके लिए आप भी साधुवाद के पास रहे। अब श्रीमती बीना देवी जी से आग्रह करता हूँ यहाँ और अपनी बातों को रखे। धरती पर खासकर बरवानी गांव में मैं जानती हूं कि मिथिला के धरती गौरवान्वित है, यहां दिक्कत नहीं होगा। करीब कहीं 18 राज्य से आने वाले लोगों को हमारे जिला पर विश्वास है, तभी तो 18 राज्य से बच्चे लोग आए हैं। 18 राज्य के गार्जियन पेरेंट्स को सबसे पहले धन्यवाद। तो आप भारत का नाम रोशन कर दिलाइए और लग गया होगा कि इस छोटे मैदान में जब इतनी बड़ी आयोजन हो सकती है तो उतनी बड़ी राशि खर्च की जा सकती है, क्योंकि आज भी गांव के 70% आबादी, भारत के 70% आबादी गांव में ही रहते हैं, लेकिन उस आबादी के लिए सरकार की जो भी योजनाएं होती है वो शहर तक ही सीमित रह जाती है। और आप हमारे अभिभावक हैं और बहुत खुशी की बात है कि मैम ने जब इस स्टेडियम का निर्माण करवाया था और उसी स्टेडियम में जब नेशनल हुई थी हाईकोर्ट की तो काफी बच्चे ने ट्रेनिंग किया था और यही से जब गए थे हरिद्वार में लेकर हाईकोर्ट नेशनल चैंपियनशिप की विजेता बनी थी। तो कभी भी हाईकोर्ट के बारे में पढ़ा जाएगा कि हाईकोर्ट का पहला राष्ट्रीय विजेता कौन रहा था, निश्चित ही चाहेंगे कि, और विशेष धन्यवाद हमारे अभिभावक सरवन कुमार सिंह जी का जिन्होंने इस आयोजन के लिए और इस ग्राउंड की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अपने फंड से भी इसमें काम कराया है और बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है यहाँ पे। लगभग और हम चाहेंगे कि हमारे जंप करके बास्केट करता है, दैट इज पावर, ठीक है, वो पावर कर रहा है। जितने भी अतिथि हम ग्राउंड में जाएंगे और आए और अपने दो बातों को चंद शब्दों में रखे। माननीय जैन सर जी कार्यक्रम के संयोजक, यहाँ के लोकप्रिय नेता और संपर्क सवन जी, यहाँ के लोकप्रिय नेता माननीय सांसद मीना देवी जी, मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय नेता आदरणीय नेताओं का मुझे नहीं है इस उसका समझना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं मैं सभी को जीत की शुभकामनाएं देता हूँ।